दोस्तों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 22वां था, जिसका शीर्षक था वीरो का कैसा हो वसंत, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का हम ये जो प्रस्तुत गीत काव्य है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अगले वीडियो लेक्चर तक जो अंतिम काव्य पंक्तियां देखी थी, जिसमें हमने दोस्तों आपको बताया था कि भाई इधर जो कोकिला है, जो कोयल है, वह ताने भर भर कर मधुर स्वर में अपना गान, अपना राग, सुंदर राग में वह गाना गा रही है। तो एक और रण का विधान है, यानी कि युद्ध के बाजे बज रहे थे, एक ओर वसंत का रंग है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारियां हो रही है, और ऐसा लगता है कि जैसे आदि और अंत दोनों एक दूसरे को, जीवन के दो पहलू, जीवन और मृत्यु दोनों पहलू एक दूसरे के साथ मिलने आ रहे हैं, और सभी यही पूछ रहे हैं कि भी वीरो का वसन कैसा होना चाहिए। तो यहां से आगे दोस्तों हमें इस काव्य को ले जाए तो बाद में जो कवयित्री कहती है कि भाई कहते अतीत अब मौन त्याग, तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रस्तुत पंक्ति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाई कहते अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अतन अनंत, वीरों का कैसा हो वसन। तो यानी कि अतीत तो भूतकाल, कुरुक्षेत्र जो दिल्ली के पास का एक एक स्थान यानी कि जो कुरुक्षेत्र का वही स्थान कि जहां पर महाभारत के काल के दौरान जो युद्ध हुआ था, यानी कि कवयित्री हमें ये बताना चाहते हैं कि वे अपने भव्य भूतकाल से, यानी कि भूतकाल से वह पूछ रही है, कह रही है कि भाई तू अपने अनंत अनुभव हमें बता दे, और साथ ही कहती कि हे लंके तुझ में क्यों लगी आग, वे लंके तुझ में आग क्यों लगी, यानी कि हनुमान जी ने लंका में आग क्यों लगाई, और साथ ही कहती है कि वे एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपने अनंत अनुभव, यानी कि हे अतीत अब तुम चुप मत रहो, अपनी चुप्पी तोड़कर हमें बतला दे कि भी वीरो का वसंत कैसा होना चाहिए, और साथ ही हे लंके तू हमें बतला दे कि भी लंका में हनुमान जी ने आग क्यों लगाई, हे कुरुक्षेत्र तू अपने अनंत अनुभव हमें बता दे कि भाई महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, तुम सबको ये बता दो कि भाई वीरो का वसंत कैसा होना चाहिए,
तो इसी प्रकार ये कवियत्री प्रस्तुत पंक्ति में अपने अतीत से, अपने भूतकाल से लंका यानी कि महाभारत, जो रामायण और महाभारत काल के जो हमारे प्राचीन ऐतिहासिक आधार को लेकर सूर्यता की, सूर्यता कैसी होनी चाहिए, वीरों की वसंत कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हमें बताना चाहती है। उसके बाद जिसो काव्य पंक्ति है उसमें कवियत्री कहती है कि भाई हल्दी घाटी में शिलाखंड, यानी कि जो हल्दी घाटी का एक स्थान है, जो महाराणा प्रताप का, जहां पर महाराज अकबर बादशाह के साथ जो भयानक यानी कि भयंकर युद्ध हुआ था, यानी कि हल्दी घाटी के शिलाखंड, यानी कि हल्दी घाटी के पत्थरों, जो शिला है, जो पत्थर है, शिला यानी कि पत्थर, जो यहां पर लिखते शब्दार्थ में हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर बादशाह के साथ जो युद्ध हुआ वह यानी कि हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के पत्थर, तो हमें ये बतला दे दग सिंह के प्रसन्न राणा नाना का हर घमंड, दो जगा अज स्मृतिया ज्वलंत वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि ये जो यहाँ पर आप ये पंक्तियां भी प्रस्तुत उनके साथ साथ देख रहे हैं कि भाई कवियत्री हमें कहती है कि भाई हल्दी घाटी के पत्थरों और साथ ही दुर्ग सिंहगढ़ के प्रसन्न, दुर्ग यानी कि किला, सिंहगढ़ के किला का भी यहां पर उल्लेख हुआ है, दुर्ग किला, जो सिंहगढ़ का किला जिसका यहां पर कवियत्री ने उल्लेख किया है कि वे हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड राधा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतिया ज्वलंत वीरों का कैसा हो वसन। तो कवियत्री यहां पर हमें कहती है हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को जगा। जो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में, दोस्तों आपको पता है इतिहास में कि अकबर के साथ जो राजपूत योद्धा के रूप में उन्होंने बार बार अकबर के साथ युद्ध किया था और अपना साहस या तो अपना पराक्रम दिखाया। साथ ही यहाँ पर शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी है, उसके एक स्वामी भक्त, जो महान सेना नायक सेनापति थे तानाजी मालचूरे, उनका भी उन्होंने उल्लेख किया है और कहा है कि भाई तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर और अपने समय की उन यादें सिर से ताजा कर दो और बतला दो कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए। क्या कहती है कि भाई हल्दी घाटी ना पत्थरों अने सिंहगढ़ ना मजबूत किलाओ, दुर्ग यानी कि किला, तमे पण महाराणा प्रताप अने तानाजी ना स्वाभिमान ने याद करीने पोताना समय नी स्मृतिओने यादोने ते ताजी करीने लो अने बताई दो कि भाई वीरों ने वसंत ऋतु केवी होगी।
त्यार पछी आगळ दोस्तों जो ये अंतिम पंक्ति है जिसमें कहा है कि भाई भूषण अथवा कवि छंद नहीं। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि भूषण जो सिंत्र छत्रपति महाराज के एक आश्रय कवि थे भूषण छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि संत महाराणा प्रताप के दरबारी कवि जिसमें यहां पर कवियत्री कहती है कि क्या कहती है जो यहाँ पर आप दोस्तों इस पंक्ति को भी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भूषण अथवा कवि छंद नहीं बिजली भर दिए वह छंद नहीं। कवियत्री क्या कहती है कि भी आज भूषण अथवा तो छंद बनता है जैसे वीर रस के कवि आज नहीं है, यानी कि वह जैसे उसकी छंद की ऐसी ताकत थी कि जो जिन्हें सुनकर और लोगों को बिजली भर जाती एक प्रकार का जोश भर देने वाले आज कवि छंद और भूषण आज नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी आज पाबंदी है, यानी कि जिस प्रकार उन्हीं समय के दौरान भूतकाल में जो बिजली भर दी ऐसे कलम में लिखने वाले एक वीर कवि थे वो आज नहीं है। और आज हमारी जो कलम है वही कलम में आज किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा गुलामों के जरिए हमारे ऊपर जो अंकुश लगा दिया गया है, इसलिए हम छुट्टी से या तो खुलकर हम कुछ लिख पाते नहीं है, यानी कि हे कलम बंदी श्वसन नहीं, यानी कि हमें लिखने की आज स्वतंत्रता नहीं है, हमारी कलम पर आज पाबंदी लगाई गई है। इसलिए कवियत्री यहाँ पर छंद और भूषण को याद करके कहती है कि जो शिवाजी छत्रपति महाराज के जो एक दरबारी कवि जो भूषण थे जो वीर रस से लेकर सूरवीरों को या तो वीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो बिजली जैसे जो तेजस्वी शब्दों में वीर रस प्राप्त करने वाला प्रेरणा देने वाली जो बातें लिखते थे, उसी प्रकार चंद भी पृथ्वीराज चौहान के समय के जो यहाँ पर दोस्तों के भाई जो चंद है वो पृथ्वीराज के समय के जो एक कवि है पृथ्वीराज राजो की रचना करने वाला पृथ्वीराज रासो के जो सर्जक कवि है वह आज नहीं है और हमारी कलम बंदी श्वसन नहीं, यानी कि हमें आज खुलकर लिखने का कोई अवसर नहीं, यानी कि हम खुलकर लिख नहीं सकते, इसलिए ये हमारा दुर्भाग्य है। क्या कहते हैं फिर हमें बतावे कौन हंत हंत यानी कि दुर्भाग्य, क्या कहेंगे हंत कि दुर्भाग्य ये हमारा दुर्भाग्य फिर हमें बतावे कौन वीरों का कैसा हो, यानी कि ये हम खुलकर लिख नहीं पाते ये हमारा दुर्भाग्य फिर हमें कौन बतावे कि भाई वीरों के वसंत कैसे हो। इसलिए कवियत्री यहाँ पर भूषण और कवि छंद को याद करके हमें बतलाना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं कि भाई वह जो खुलकर जो बिजली जैसे यानी कि लोगों के हृदय में बिजली भर जैसे
रजनी सुनकर लोगों के मन में बिजली जैसी एक गति तेजस्विता बढ़ जाए ऐसे शब्दों में जो लिखते थे, पर वह आज हमारे सामने है। इसलिए हमें ये कौन बतावे, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारी कलम तो वो लिखने के लिए उन पर पाबंदी, हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हमें कौन बतावे कि भी वीरो का वसन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों गुजराती में फिर से उसके हम सरलता से समझने का प्रयास करें तो कवियत्री इन अंतिम पंक्तियों में हमें के दिखवे आज कवि भूषण ने चंद भरदाय जेवा वीर रसना कविओ से आज अपनी वच्चे नथी, एवा चंद पण नथी के जेने सांभळीने लोको मां वीजळी जेवी एक प्रकारनी बलिदानी भावना समर्पणनी भावना से ये सळवळी उठे। એટલે આ ઉપરાંત અમારી કલમ પર પણ એક પ્રકારનો પ્રતિબંધ લાગેલો છે અને સ્પષ્ટ શબ્દોની અંદર લખવું, ખોલીને લખવું આજે અમારા માટે સંભવ નથી। તો હે દુર્ભાગ્ય, પછી અમને હવે કોણ બતાવશે કે ભાઈ વિરોધી વસંત ઋતુ છે કેવી હોવી જોઈએ। એટલા માટે અહીંયા કવિયત્રી છે એ સુંદર રીતે આપણી સામે એ વીરરસની કલ્પનાની માફક આપણી સામે જુદા જુદા ઉદાહરણો દ્વારા દ્રષ્ટાંતો દ્વારા આ સરસ મજાનું કાવ્ય કે જેની અંદર ખાસ કરીને આપણે અગાઉ પ્રસ્તાવનાની અંદર મિત્રો વાત કરી તેમ કે ભાઈ જે સુરવીર છે, જે યોદ્ધા છે, એમના મન અને હૃદયની અંદર એક પ્રકારે પ્રોત્સાહન કરવા માટે એમને આ કાવ્ય છે એ સરસ રીતે લખવામાં આવ્યું છે। હવે અહીંયા સ્વાધ્યાયની અંદર મિત્રો આપણે કેટલાક ટૂંકા પ્રશ્નો છે જેની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીએ તો પહેલો પ્રશ્ન આપણને એવો આપવામાં આવ્યો છે કે ભાઈ એક એક વાક્ય મેં ઉત્તર દીધી, તો પહેલા પ્રશ્ન એ બાર બાર કોણ ગરજતા હૈ, તો હમ કહી શકતે કે ભાઈ બાર બાર સમુદ્ર ગરજતા હૈ, બાર બાર ઉદધી ગરજતા હૈ। ફિર દૂસરા સવાલ હૈ પ્રકૃતિ કે તત્વ ક્યાં પૂછ રહે હૈ, તો હમ કહી શકે કે ભાઈ પ્રકૃતિ કે તત્વ હમે પૂછ રહે હૈ કે ભાઈ વીરો કા વસંત કેસા હોના ચાહિએ। ઉસકે બાદ તીસરા હૈ વધુ વસુધા મેં ક્યાં પરિવર્તન હુઆ હૈ, તો હમ કહી શકતે કે વસુ વસુધા ને અપને અંગ અંગ મેં, યા તો વસુ વસુધા મેં અપને અંગ અંગ મેં વ પુલકિત હુઆ હૈ, વહી પરિવર્તન। कभी कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे कभी कभी कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभव के बारे में तुम बताओ, वही प्रश्न कुरुक्षेत्र से कवि यात्री पूछ रहे हैं। उसके बाद अंतिम सवाल है कवि की कलम की क्या विशेषता है, तो हम कहेंगे कभी कवि की कलम की विशेषता है कि वीरों का वसन कैसा हो, यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है, खुलकर लिखने की उसे रजा नहीं है। तो इसी प्रकार के इस जो संक्षिप्त एक एक वाक्य के प्रश्नों के जो उत्तर है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखे हुए, वीरो का वसंत कैसा हो ऐसा कौन कौन पूछ रहे, तो दोस्तों बता सकते कि वीरो का वसंत कैसा हो ऐसा हमें हिमालय पूछ रहा है, समुद्र भी बार बार ऐसा सवाल हमें पूछ रहा है, उनके साथ साथ दसे दिशाएं दिग दिगंत यानी कि पूर्व पश्चिम आकाश धरती यानी कि दसे दिशाओं के शोर से एक ही प्रश्न बार बार सुनाई दे रहा है कि वीरो का कैसा वर्णना चाहिए। फिर कह दे अतीत अब मोहन त्याग ऐसा कवि ने क्यों कहा है, यानी कि अतीत को कवियत्री यहाँ पर पूछ रही है, यानी कि खास तरीके से हम कहे तो हे कुरुक्षेत्र अब तू मौन क्यों है, लेकिन हे भूतकाल अब तू मौन क्यों है और बता दे हमें लंका में आग क्यों लगी थी, ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, वह तू हमें मौन त्याग कर तू हमें बता दे। उसके बाद का किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवि ने वीरों का वसंत बनाया, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई खास तौर पर महाभारत रामायण जैसे आदि हमारे जो प्राचीन काल में जो महान युद्ध के मैदान के ऊपर जो सुरवीरता के रस हमें लिखे गए, उनके साथ साथ हमारे इतिहास पर आधारित जो महाराणा प्रताप
शिवाजी महाराज के सेवक तानाजी मालुसरे उनके साथ साथ जो पृथ्वीराज चौहान के समय के उनके दरबारी कवि संत और कवि भूषण, इन सभी ऐतिहासिक आधारों को लेकर कवियत्री हमें कहना चाहती है कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। दोस्तों, वीरों का कैसा हो वसन इस पंक्ति में अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझा, यानी कि ये जो हमने काव्य पंक्तियां समझी उनके आधार पर हमें जो कुछ उदाहरण लेकर इसे विस्तार पूर्वक अपने प्रश्नों को हमें समझाना चाहिए। फिर हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कभी क्या क्या तात्पर्य। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ जो एक तरफ शिवाजी महाराज का सिंहगढ़ का किला के इसी आधार पर हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज के जो एक महान जो शूरवीर जो सेना नायक थे तानाजी मालुसर ने उसका जो महत्वपूर्ण जो सिंहगढ़ का किला था वह मुगल सेना के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने बहादुरी से तानाजी मालुसर ने सिंहगढ़ का किले का विजय प्राप्त किया था, पर उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। तब शिवाजी महाराज ने कहा था कि भाई गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी कि सिंहगढ़ पोते विजय प्राप्त कर लीधो परंतु पोतानो सिंह जो बहादुर सेनापति ने तेमने गुमाव्यो। तेवी रीते हल्दी घाटी ની અંદર પણ મિત્રો આપણે ત્યાં જે વાત કરી કાવ્યમાં કે ભાઈ મહારાણા પ્રતાપ અને બાદશાહ અકબરની સેના વિશે આ યુદ્ધની મેદાનની અંદર ભયંકર જે યુદ્ધ છે એ વારંવાર થયું વિશેની વાત આપણે કાવ્યના આધારે કહી શકીએ। હે કલમ બંધી સ્વસંગ નહીં સંદર્ભ સમજ્યા, એટલે કે કાવ્યના અંતની અંદર જે આપણે સમજ્યા તેના વિશે કે ભાઈ કવિ સંત અને ભૂષણને યાદ કરીને કહે છે કે વીરરસને વીજળી ભરી દે એવી વાત પોતાની કલમ દ્વારા પોતે લખે, કારણ કે આજે પોતાની દુર્ભાગ્ય છે કે પોતે ખુલીને પોતાની વાતો છે પોતાના વિચારો છે લખી શકે એમ નથી। તો દોસ્તો, યહાં પર એ જો 22મા કાવ્ય એ યહાં પર હમ ખતમ કરતે સમાપ્ત કરકે ઉનકે સાથ સાથ એ ઓફલાઈન કે જરીએ હમને શરૂઆત કી હૈ ઓર ઓનલાઈન કે જરીએ ઉને યહાં પર પૂર્ણ કરતે સાથ હી ઇસ જો 22મા ચેપ્ટર હૈ જિસકે स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर यानी कि PDF के स्वरूप में इस वीडियो लेक्चर के साथ आपको PDF भी भेजी जाएगी, जिसमें से आप विस्तार पूर्वक सभी प्रश्नों का अध्ययन करके अब अपनी बुक में उसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को हम रखते हैं। थैंक यू।